देखिए गाइस, फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया, देखो रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर वन ईयर इज 10 रेशियो 12 है, ठीक है। जो रेशियो दिया आपने प्रिंसिपल एंड अमाउंट तो कितना है 10 और 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इक्वल टू 12 अमाउंट और प्रिंसिपल कितना 10, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद देखो देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुमी, सबने क्या पूछा दोस्तों, रेट, रेट का फॉर्मूला है रेट इक्वल टू एस आई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल इनटू 100, ठीक है। अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का अपने डिफरेंस निकाले कितने का निकलेगा दोस्तों, प्लस 2 का डिफरेंस निकला, वो क्या हो जाएगा अपना एस आई, ठीक है। रेट इज इक्वल टू एस आई कितना आ गया 2, प्रिंसिपल कितना है 10 इंटू 100, ठीक है, यहां तक समझ गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 0 0 कट हो गया ये 20, 2 × 10 कितना हो जाएगा, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 × 2 कितना हो जाएगा 20, मीन्स 20% क्या है दोस्तों अपना रेट, ठीक है, नोट डाउन कर लो, जो रेट है अपना 20% है, डी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आया, देखो ऐसे सॉल्व करना, देखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर 4 ईयर एट 6.25, मीन्स जो 6.25% है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 / 6 × 1/4, ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखो ये हो गया पर एनुम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स क्या दोस्तों दोनों इक्वल है, ठीक है, ऑन रुपीज ऑन 400 रुपीज एट 5% पर एनुम फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, दी पीरियड ऑफ टाइम अपने पूछा है, मीन्स टी अपने को पूछा गया, ठीक है, वही फॉर्मूला पी आर टी, देखो पी कितना दिया है 500, ठीक है, इंटू आर कितना दिया है फिर ये 6.25 मीन्स अपने कन्वर्ट किया था परसेंट, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गया और कितने ईयर दिया दोस्तों, टी कितना दिया है 4, ठीक है, ये समझ गया, या ये ऊपर का पूरा पोर्शन सॉल्व हो गया, ठीक है। नीचे देखो अभी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट, यहां तक हो गया। इसके बाद देखो ऑन 400 रुपीज, 400 रुपीज है, ठीक है, रेट कितना है दोस्तों 5%, 5% मीन्स देखो इनटू क्या आ जाएगा फिर टी, अपने क्या निकालना है टी, ठीक है, टाइम निकालना है इसलिए वहां पर टी आ गया, ये वही फॉर्मूला है दोस्तों पीआरटी वाला, ठीक है। इसको वैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर 2 0, देखो 2 0 दिख रहे हैं, इधर 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर जाएंगे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर 5 दिख रहा है, इधर 5 दिख रहा है, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, परसेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो जो 4 है 4 भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये इधर आएंगे तो, ठीक है, मीन्स अब बचा क्या है, देखो 6 × 1/4 और इधर क्या बचा है सिर्फ टी, मीन्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 1/4 ईयर क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है, निकल गया टाइम दोस्तों। है क्या ऑप्शन में देखो, ये देखो सी है, इसलिए सी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो गाइस। देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया, देखो ए बोरोस 800 रुपीज एट द रेट ऑफ 12%, कितना रेट है 12% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड बी बोरोस 910 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर, ठीक है, हाउ मेनी ईयर, ईयर को क्या पकड़ेंगे दोस्तों अपन एक्स पकड़ लेंगे, ठीक है, ईयर पूछा है अपने को, विल देयर अमाउंट ऑफ डेबिट बी इक्वल, इक्वल क्वेश्चन में आया दोस्तों, तो इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी के जैसे ही रहेगा, ठीक है। देखो आपको बताओ जो क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग से वो अपना डायरेक्ट स्टार्टिंग से लिखना पड़ता है, देखो 800 लिया है बोरोस, ए बोरोस 800 मीन्स 800 लिख लिया इंटू मल्टीप्लीकेशन, उसका देखो एट द रेट ऑफ 12% पर एनुम सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना है 12% इंटरेस्ट है 12x, क्यू एक्स लिखे अपने को ईयर निकलना है, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है, इक्वल टू देखो एंड मीन्स इक्वल टू लिख दिए, फिर दूसरी स्टेप चालू हो रही, देखो बी बोरोस 910 इंटू एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, 10% क्या दोस्तों पर एनुम सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स 1+ कितना आ जाएगा 10x / 100, यहां तक मिल गया अपने को इक्वेशन,
अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 100 इंटू 1 12 इंटू प्लस 12 इंटू 12x इंटू 1 होगा, ठीक है। देखो 800 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 12x, ठीक है। नीचे जो 100 था वो इधर कैंसिल उधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इंटू 800 आएगा जैसे का वैसा, प्लस ये कितना हो जाएगा 10x। 100 कैसे कैंसिल हुआ दोस्तों, इसके नीचे 100 था और इसके नीचे 100 था, तो अपने क्या किया डायरेक्टली 100 कैंसिल कर दिए, ठीक है। ठीक है अभी देखो इसका मल्टीप्लीकेशन करें कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 6n पे हो जाएगा, ये मिल गया इक्वेशन पे, इसको सॉल्व करेंगे 9100, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा दोस्तों 9100x, ये इक्वेशन अपने को मिल गया। इसके बाद देखो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जो 9600x है, ठीक है, उसको क्या करना है, इससे अपने को माइनस करना है, ठीक है। मीन्स कितना आ जाएगा फिर 96, 91, 500, ठीक है, इतना बचेगा दोस्तों x हो जाएगा, ठीक है, इतना बचा। इसके बाद देखो अपने क्या करना है, जो 88,000 माइनस 91,000 अपने को माइनस करना है, कितना आ जाएगा 11,000, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो क्या होगा, दो जीरो इधर से कट हो जाएंगे, दो जीरो इधर से कट हो जाएंगे, कितने बचेंगे 5x इक्वल टू 110, ठीक है। इसके बाद देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 110 डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएंगे, देखो 22 दिख रहा है, ठीक है, इसलिए 22 इज द फाइनल आंसर है, 22 देखो सी में ऑप्शन है, इसलिए सी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो गाइस, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। देखे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस क्या दिया है। देखो ए सर्टन सम ऑफ मनी बिकम 3 times, कितना है 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, कितना हो रहा है दोस्तों 3 times में 20 years सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल हो रहा है, ठीक है, अगर कुछ ईयर आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है डबल हो रहा है, ठीक है, ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कितना हमने पूछा गया, मीन्स रेट अपने को पूछा गया है, ठीक है, रेट का फॉर्मूला अपने को पता है n माइनस 1 डिवाइड बाय क्या लेगा t इंटू 100। ऐसे क्यों किया दोस्तों अपन ने, क्योंकि इसमें देखो जो टाइम्स है वो दो बार आए, 3 times और डबल हो रहा है, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो डायरेक्टली अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा फिर, कितना टाइम अपने को दिया है 3, ठीक है, 3 times दिया मीन्स 3 - 1 कर सकते हैं अपन, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा t, कितना टाइम से मीन्स 20 years इंटू 100, यहां तक हो गया। इसके बाद देखो 2 बज रहेगा ऊपर, नीचे 20 इंटू 100, इतना हो गया सॉल्व। इसके बाद देखो दोस्तों जो रेट है 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 into 2 करेंगे कितना हो जाएगा फिर 10, मीन्स 10 year का है अपना फाइनल आंसर, समझ गया दोस्तों। कुछ नहीं की इसमें जो अपने को 3 times दिया था उसको अपने n पकड़ लिए, मीन्स 3 हो गया, ठीक है, और जो टाइम है मीन्स 20 year में कितना हो रहा है रेट अपने को अपने पूछा गया, मीन्स यहाँ पे t लिखे तो कितना है 20, यहाँ पे 20 आ गया इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 into 2 divided by 10 divided by 2 करे कितना है 5, ये 5 into 2 करें कितना आ जाएगा 10 years, ठीक है, नोट डाउन कर लो गाइस। देखे गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया, देखो ए सम ऑफ 400 जो अमाउंट है दोस्तों कितना हो रहा है 480 rupees इन कितने ईयर में 4 years में, मीन्स वॉट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%, मीन्स ये जो 2% दिया है दोस्तों 4 years के लिए कुछ परसेंट दिया है क्या, नहीं है, मीन्स इसको लेंगे अपन, समझ लीजिए जो 1 year का इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है 2%, ठीक है, 1 year का 2% आ रहा है, मीन्स 4 years का कितना हो जाएगा 4 years का हो जाएगा 8%, ठीक है,
फोर इंटू टू 8% हो जाएंगे, ठीक है। या था ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो व्हाट विल अमाउंट अपने को निकलना है, ठीक है। इस सम ऑफ 400 अमाउंट दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे इनटू 4 ईयर का कितना बना था 8%, ठीक है। नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, याद है, समझ गए। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे कितना देंगे, देखो 20 कट हो गए, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे 32% मिल जाएगा, ठीक है। ये जो अपने 32% मिला उसका क्या करना है, देखो व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट, अपने क्या निकालना है अमाउंट, ठीक है। जो 400 अमाउंट थी दोस्तों उसका कितना हो रहा है 480 रुपीज, कितने से ईयर में, 4 ईयर में। तो इसको दोस्तों ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो जो 480 अपने को मिला था रुपीज में उसको क्या करेंगे, जो अमाउंट अपने को निकालना है तो 32 जो आया था यहाँ पे प्लस कर देंगे, 2 8+3 कितना हो जाएगा दोस्तों 11512 रुपीज। मीन्स अगर इतने ईयर में अपन वो करेंगे तो क्या मिलेगा, व्हाट विल अमाउंट कितने मिल जाएंगे दोस्तों 512 रुपीज। सही ऑप्शन में देखो सी ऑप्शन है, इसलिए सी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो गाइस, 512 रुपीज अपने को मिला है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस, क्या दिया है देखो, ए पर्सन बिकम सम मनी फॉर 5 इयर्स, ठीक है। एक बार लड़का हो गया, 5 इयर्स के लिए मनी उसने लाई, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज 5:2, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या पूछा दोस्तों अपने को रेशियो, और ऑप्शन में भी रेशियो दिखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो जो है दिया दोस्तों लोन अमाउंट टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, इसका रेशियो दिया वो लिख लेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये मिल गया दोस्तों, मीन्स अभी देखो जो 5 ईयर है, 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। 5 ईयर का 2 इंटरेस्ट है तो मीन्स 1 ईयर का कितना हो जाएगा, फिर 1 ईयर का हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये समझ गया दोस्तों, 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना है अपना 2, मीन्स 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2/5, ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखो अगर रेशो वाला क्वेश्चन फाइंड आउट रेशो बोले तो ऐसे अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये दोनों को फिर अपन ने लिए, ये 1 और 2, ठीक है। ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, देखो 5 ईयर का है मीन्स 5/ क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मीन्स 5 ऊपर चलेगा, 5×5/2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 25 नीचे 2, मीन्स ये जो अपने को मिला है 25/2 रेशो मिला है वो एक ऑप्शन में देखो डी ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए ये जो रेशो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ लीजिए दोस्तों। अगर रेशो क्वेश्चन में फाइंड आउट बोला तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। कि कुछ नहीं किया दोस्तों, एक बार फिर से बता दो, देखो लोन अमाउंट टोटल अमाउंट कितना दिया रेशो उसका 5/2 है, मीन्स 2/5 हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल 5 ईयर का इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 ईयर का निकालेंगे 2/5 आ गया, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन मिले, इसको सॉल्व करें, देखो 5/2/5 मीन्स 5 ऊपर चलाएंगे, 5×5/2 उसका मिल गया आंसर अपने को 25/2, मीन्स डी क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो गाइस।